हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल विद द न्यू वेडी। तो चलो आज का सो टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज कोडिंग डिकोडिंग। तो रीजनिंग का एक नया चैप्टर के साथ आज आ चुके हैं। तो आज का हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है कोडिंग डिकोडिंग। एग्जाम में ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो आता ही है, एक दो तीन चार, मतलब एक भी हो तो आएगा, पर आएगा भी एवरी एग्जाम में, ठीक है। तो ये कोडिंग डिकोडिंग होता क्या है, इसके अंदर ही कुछ छुपा हुआ है ना। द टर्म कोडिंग इज रिलेटेड टू सेंड सम सीक्रेट मैसेज बट व्हिच कैन नॉट अंडरस्टैंड बाई अदर दैट व्हाट इज द मैसेज। तो एक्चुअली यहाँ पे क्या बोला क्या है कि तुम अपने फ्रेंड को एक मैसेज भेज रहे हो, ठीक है। तो उस वो एक सीक्रेट मैसेज जो तुम और किसी को नहीं दिखाना चाहते हो, ठीक है। तो तुम एक काम कर सकते हो, उसको कोड करके दे सकते हो, मतलब उसको कुछ अलग बलग करके दे सकते हो जो तुम्हारा दोस्त डिकोड कर सकता है। उसको डिकोड करने का मेथड पता होना चाहिए, ठीक है, तभी अपना वो अनाप शनाप लिखा हुआ कोड को वो डिकोड कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करेगा वो तो एग्जाम्पल साथ दिखाऊंगा, पर पहले पता तो चले कि कोडिंग क्या होता है, डिकोडिंग क्या होता है। सो ये पढ़ने के स्टाइल में कोडिंग क्या होता है, कोडिंग देयरफॉर मीन्स द रूल ऑफ मेथड यूज टू हाइड द एक्चुअल मीनिंग ऑफ ए वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स। मतलब कोडिंग मीन्स आप एक जो सीक्रेट मैसेज वो हाइड करने का वो जो मेथड तरीका होता है, वो तरीका को ही हम कोडिंग के अंदर लाते हैं, ठीक है। वो जो मेथड्स होता है, जो सारे रूल्स होते हैं जिससे हम इस सीक्रेट मैसेज को हाइड कर सकते हैं, वो है कोडिंग। और डिकोडिंग क्या है, डिकोडिंग वो है कि वो जो हाइड किया हुआ लेटर है एक्चुअली जिसके पास वो जा रहा है, वो जो डिकोड करने का तरीका है, वो डिकोड मतलब जो मेथड्स है जो यूज़ करके वो एक्चुअल मैसेज देख सकता है, उसी को हम बोलते हैं डिकोडिंग। सो लर्निंग लैंग्वेज में क्या होता है, डिकोडिंग मीन्स द मेथड ऑफ मेकिंग आउट द एक्चुअल मैसेज दैट इज डिस्गाइज्ड इन ए पर्टिकुलर मेथड। सो जो मेथड से हम डिस्गाइज किए हैं और जिसके पास जा रहा है उसी को वो मेथड पता होना चाहिए, तभी वो डिकोड कर सकता है। तो चलो एक एग्जाम्पल के साथ दिखा देता है। तो एग्जाम्पल में क्या बोला है कि इन ए कोड इफ ट्रेंड्स इज कोडेड एज RTIASN, सो हाउ PISTOL विल बी कोडेड। तो आपको देख के तो कुछ पता नहीं चल रहा है ना कि कैसे कोड किया हुआ है, तो उसके लिए आपको पहले ट्रेंड्स को डिकोड करनी पड़ेगी। तो पहले उसको कैसे करेंगे, TRANS। अब ये क्या है, RTIASN। तो इसको डिकोड करने के लिए तुम्हें मेथड ढूंढना पड़ेगा, क्या है कि मेथड के ये पहले टी है, ये दूसरे में टी है, तो ये ऐसा है। तो मैंने रेड कलर से पेन से दे दिया कि ए टी है, तो ए है, आर यहाँ पे है, ए यहाँ पे है, आई यहाँ पे है, एन यहाँ पे, एस यहाँ पे। डिकोड हुआ कि नहीं ये बताओ पेन। तो कैसे लिखा हुआ है, ऐसे है, ठीक है। तो अगर मुझे इसको डिकोड करना है तो मुझे इसको लिख कर देता हूँ, क्या है कि PISTOL। तो R पहले आया था, T बाद में आया था, तो इसका क्या होगा, पहले I आएगा उसके बाद P आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आया था, T आएगा क्योंकि यहाँ पे आया था, उसके बाद ये आया था, तो पहले T आएगा उसके बाद S आएगा, और पहले L आएगा उसके बाद O आएगा। तो द आंसर विल बी IPTSLO। एक्चुअली द आंसर ऑफ दैट कोडेड इज दैट, सो दैट आर द डिकोडेड आंसर, सो विच यू हैव टू फाइंड इन एग्जाम ऑल्सो। सो इसका और एग्जाम्पल मैं शॉर्ट्स भी डालूंगा और एक नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसपे मैं वही डालूंगा। सो आज के लिए बस इतना। तो वीडियो आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जाके सब्सक्राइब करना मत भूलना।